इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शतक लगा दिया। गिल ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में 119 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। शुभमन गिल ने 176 गेंदों में 119 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए। गिल ने शतक के साथ ही अपने ऊपर हो रहे आलोचनाओं को भी खत्म कर दिया है। गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 5वां शतक जड़ दिया है। इस साल टेस्ट क्रिकेट में उनका ये 3रा शतक है। इस शानदार सेंचुरी के साथ उन्होंने एक और कारनामा कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में गिल ने पहली बार एक कैलेंडर ईयर में 3 शतक लगाए हैं। इससे पहले उन्होंने इसी साल फरवरी मार्च में हुए टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 2 शतक जड़े थे। शुभमन गिल ने दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले गिल लगातार टेस्ट में संघर्ष कर रहे थे। उन्हें अपने पहले टेस्ट शतक के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा था। गिल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ ही जड़ी थी। शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। 2019 में शुरू हुए WTC में कोहली ने कुल 4 शतक जड़े हैं, वही गिल 5 शतक लगा चुके हैं। इस मामले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सबसे आगे हैं। रोहित शर्मा के नाम 9 सेंचुरी है। वही टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 4 सेंचुरी के साथ विराट कोहली के साथ बराबरी पर हैं। अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो शुभमन गिल ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर दूसरी पारी में 167 रनों की पार्टनरशिप की और टीम इंडिया का स्कोर 287 तक पहुंचाया, जिस वजह से बांग्लादेश को 515 रनों का लक्ष्य मिला। अब देखना दिलचस्प होगा क्या टीम इंडिया के गेंदबाज इस लक्ष्य को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं।